ये गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, मात्र 3 मिनट में, वो भी ट्रिक से। यानी कि जीवन परिचय यानी एग्जाम में आप लिखते हो लेकिन आपको एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलते, इसके पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर है। तो उस कारण को मैं आज के इस वीडियो में स्पष्ट कर देने वाला हूँ और जो जीवन परिचय लिखने की जो ट्रिक होती है, जो शैली होती है, उसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जीवन परिचय इस तरह से जिसका भी लिखना ऊपर जयशंकर प्रसाद का या किसी का भी आप लिखो तो यहाँ पे उनका नाम लिखने के बाद 2 लाइन नीचे इस तरह से खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पे बगल में साइड में एक बॉक्स बना लेना। अब बॉक्स में आपको क्या करना है कि नाम, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, कृत्या, शिक्षा और मृत्यु इनका लिख देना। इसके बाद यार देखो किस तरह से लिखा जाता है जीवन परिचय। देखो जीवन परिचय लिखने से पहले उस आदमी के बारे में जान लो कि वो कौन थे। ठीक है, तो देखो जयशंकर प्रसाद आप इस तरह से लिख देते हो कि जयशंकर प्रसाद का जन्म ये 1889 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं, देखो छायावाद के प्रवर्तक, ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक थे। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है जो कि यार देखने में बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और जो टीचर आपका कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा जानकार इंसान हो। तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, अब देखो यहाँ पे 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी जन्म है यहाँ पे ये ब्लैक किया गया है। ब्लैक का मतलब इससे होगा क्या कि ये चीज़ें आपको हाईलाइटेड लगेंगी। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में इसको ब्लैक से कर देना है। 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। अब देखो इनके पिता के भी नाम यहाँ से ब्लैक से कर दी गई है, ये हाईलाइटेड होने के लिए और काफ़ी अच्छा आपका जो कॉपी होती है वो लगती है। ये नाम से प्रख्यात थे। यक्ष्मा टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हो गया। ठीक है, अब इस बॉक्स में देख लेना है इनका नाम जयशंकर प्रसाद, जन्मस्थान 1889 ईस्वी काशी, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, कृत्या कंकाल तितली, शिक्षा 8वीं तक और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। ये चीज़ें अगर आप बॉक्स में लिख दोगे तो यार टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि उसको हर एक चीज़ एक ही जगह पर मिल जाती है। ठीक है, टीचर यही चीज़ें देखता है आपका, तो इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी साहित्यिक परिचय भी आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये देखो जयशंकर प्रसाद एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। इन्होंने कई नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी संग्रह में महत्वपूर्ण अपना स्थान को बनाया। इसके बाद आपको इनकी कुछ रचनाएं अगर आपको याद है, ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना ब्लैक स्केच से की रचनाएं। नाटक इन्होंने लिखा था स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और भी सारे। कहानी संग्रह भी है इनके आकाशदीप, इंद्रजाल, और इन्होंने उपन्यास भी लिखा था कंकाल तिथि। अगर इस तरह से आप लिख देते हो तो आपका टीचर जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।